हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक। आज की इस वीडियो में लेके आप लोग के लिए बोल्ट ऑडियो प्रो बस कर्व का यहाँ पे एक क्विक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। जी हाँ, मेरे पास ये आ चुका है कर्व, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि अमेजोन का जो सेल चला था ग्रेट इंडियन सेल, उसमें बहुत ज़्यादा बिका है। और फिलहाल अभी भी यहाँ पे ये डिस्काउंटेड या फिर डील प्राइस में चल रहा है, करीबन 800 रुपीज़ के आसपास ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद ही अगर आपको पसंद आता है ये बोल्ट का कर्व या फिर प्रो बेस कर्व नेक बैंड ईयरफोन, तो इसे ज़रूर ज़रूर परचेज कर लेना। और इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कर देना। तो कुछ इस तरीके से दिखता है बॉक्स। यहाँ पे देखेंगे तो बोल्ट ऑडियो प्रो बेस कर्व, यहाँ पे स्टीरियो साउंड स्वेट प्रूफ सिक्योर फिट करके लिखा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बोल्ट ऑडियो करके यहाँ पे लिखा गया है। और बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो प्रोडक्ट नेम बोल्ट ऑडियो कर्व, यहाँ पे ये एक नेक बैंड ईयरफोन बेसिकली बोल सकते हैं। तो चलिए क्विकली इसे हम ओपन करते हैं। ये है बॉक्स एक्सेसरीज, यहाँ पे देखेंगे तो बोल्ट ऑडियो एक्सेसरीज करके यहाँ पे आता है। इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रो बस कर्व का यूज़र मैनुअल हमें देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ये है, तो कुछ नहीं समझ में आता तो ये पढ़ लेना, फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो यहाँ पे आपके ईयर्स के अकॉर्डिंगली जो फिट आपको लगता है वो आप ईयर टिप्स इसके अंदर लगा लेना। और साथ ही में देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पे एक वारंटी कार्ड, यहाँ पे क्योंकि एक वन ईयर वारंटी के साथ आता है तो ये अच्छा है कि कभी भी कुछ ख़राब होता है तो आपको रिप्लेस या फिर आपका प्रोडक्ट रिपेयर हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे बॉक्स एक्सेसरीज। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक माइक्रो यूएसबी केबल इसे चार्ज करने के लिए यहाँ पे। तो ये है बॉक्स एक्सेसरीज फ्रेंड्स। यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट की ओर फ्रेंड्स। ये है हमारा बोल्ट कर्व नेक बैंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनिश की यहाँ पे, तो ये बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो केबल है वो फ्लैट टेंशन यहाँ पे केबल है, और बहुत ही अच्छा हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे बोल सकते हैं मैट फिनिश के साथ यहाँ पे आता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो फिनिश है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम फिनिश हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसके अंदर। साथ में ये यहाँ पे टिप देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है हमको प्लस एंड माइनस, यानी कि वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिलता है। यहाँ से आप लोग म्यूज़िक को फॉरवर्ड बैक भी कर सकते हैं। और ये मेन पावर यूनिट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, तो बेसिकली इसे आप ऑन करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और साथ में दूसरे एंड पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है बोल्ट करके यहाँ पे मेंशन किया गया, और पीछे की तरफ मेंशन किया गया राइट हैंड साइड, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड करके मेंशन किया गया है। बात करते हैं हमारे केबल की क्वालिटी की, देख सकते हैं एक अच्छा खासा, बहुत ही एक मोटा खासा केबल यहाँ पे देखने को मिलता है ये हमारे वायर का। और ये है हमारा नेक बैंड या फिर बोल सकते हैं कि ये है हमारा ईयर टिप्स। यहाँ पे मैग्नेटिक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वालिटी है वो मेटल लगाया गया है कॉर्नर्स पे, फिर बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स एंड पे यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा फिनिश यहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स बोल्ट का। यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि लोगो देखने को मिलता है, और यहाँ पे सिंपली आप इसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टिक हो जाता है, क्योंकि जो मैग्नेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे मैग्नेट इस्तेमाल किया गया। तो देख सकते हैं जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो यहाँ पे जो मैग्नेट है वो इटसेल्फ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसे चिपक जाता है, तो ये अच्छा है। और साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो माइक्रोफोन देखने को मिलता है, ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ भी आता है, IPX5 है यानी कि स्वेट प्रूफ है। तो जिमिंग कर लीजिए यहाँ पे, अगर आप इसे बारिश में भी यहाँ पे पहनते हैं तो भी कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि IPX5 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। तो आप लोगों को ईजिली तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। और देखो ये जो टिप मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये लिटरली बहुत ही प्रीमियम फिनिश में आता है, मेटल है यहाँ पे, अब जो बोल सकते हैं जो एज है या फिर जो लास्ट ये जो पोर्शन है ये मेटल फ्रेम के साथ आता है। और फ्रंट में यहाँ पे जो है ये एक और माइक्रोफोन देखने को मिलता है, ये बेसिकली आता है मैट फिनिश के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लुक एंड फील वाइज देखने को मिलता है। और जो ईयर टिप्स है वो स्लाइटली एंगल पे दिया गया है, 60 डिग्री बोल सकते हैं यहाँ पे, तो 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे दिया गया ताकि आपके ईयर्स में ये परफेक्टली तरीके से यहाँ पे फिट हो जाए। तो चलिए क्विकली मैं फ़ोन के साथ इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करने के लिए बस आप लोगों को यहाँ पे ये जो बटन दिया गया है, इस पावर बटन को आपको प्रेस करना है और ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसे मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ क्विकली। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो बोल्ट ऑडियो कर्व हमारा कनेक्टेड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो LED लाइट भी यहाँ पे ब्लिंक होता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक आप लोगों को NCS कार्टून का यहाँ पे म्यूज़िक प्ले करके आप लोग को इसका आउटपुट सुना देता हूँ।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एक आइडिया पता चल गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे साउंड आउटपुट देखने को मिलता है या फिर सुनने को मिलता है यहाँ पे कर्व का। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो साउंड लाउडनेस है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, लिटरली बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाउड है। आप लोगों को, मतलब अगर आप फुल वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ पे बाहर वाले को भी सुनाई दे देगा, इतना ज़्यादा लाउड है। बेस यहाँ पे एक्स्ट्रा बेस के साथ यहाँ पे ये दिया गया, यहाँ पे प्रो बेस इसे बोला गया है। बेस भी लिटरली आपको फील होगा, अगर बेस को अगर रेट करना हो तो 10 out of 9 दूंगा यहाँ पे, और साउंड को तो 10 out of 10 दूंगा बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लाउड है यहाँ पे। और यहाँ पे साउंड डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं था, 0% यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और मतलब ओवरऑल बात की जाए यहाँ पे इस कर्व की यहाँ पे, तो लाउडनेस डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं, म्यूजिक सेपरेशन, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, यहाँ पे क्लियर वोकल्स थे यहाँ पे, तो मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिलता है इन टर्म्स ऑफ साउंड आउटपुट की बात की जाए तो। बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 1 से 1.5 घंटे लगता है इसे फुल चार्ज होने में, और आउटपुट की बात करूँ तो करीबन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 12 से 15 घंटे आउटपुट दे देगा। 12 घंटे लगभग आप फुल वॉल्यूम पे सुनेंगे तो, और 15 घंटे अगर आप 70 या फिर 60-50% वॉल्यूम पे अगर आप सुनेंगे तो यहाँ पे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे बेसिकली। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है, बहुत ही अच्छा फिटनेस, मतलब स्नग फिट यहाँ पे ईयर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होता है। 60 डिग्री पे हल्का सा एंगल रखा गया ताकि आप लोगों के ईयर्स में अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट हो जाए। मतलब ओवरऑल यहाँ पे 800 rupees के हिसाब से ये एक बेस्ट डील है मेरे हिसाब से, अगर आपको नेक बैंड चाहिए। और यहाँ पे आप ये जो नेक बैंड है यहाँ पे, इससे आप इसके नीचे करके यहाँ पे इसे आप यहाँ पे लंबा भी कर सकते हैं, यानी कि आपको जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। आप लोग को यहाँ पे छोटा चाहिए तो आप लोग ये नेक बैंड को ऊपर कर लीजिए, तो आपका ईयरफोन जो है, ये जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा होगा। अगर आपको बड़ा चाहिए यहाँ पे पूरा नीचे कर लीजिए तो कुछ इस तरीके से इतना लंबा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देख लीजिए इन टर्म्स ऑफ बोल सकते एस्थेटिक्स, लुक वाइज, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बैटरी, सर्टिफिकेशन वाइज भी आप लोगों को ये एक बेस्ट मुझे लगता है कि ये कर्व यहाँ पे आता है। और फ्रेंड्स, मतलब लेना चाहोगे तो ज़रूर से ज़रूर एक नेक बैंड आपको ख़रीदना है। नॉइस कैंसिलेशन के साथ भी आता है, फुल रिव्यू हम थोड़े दिन के बाद हम करने वाले हैं जब मैं इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। बट फिलहाल जो चीज़ मिलता है आपको जिस प्राइसिंग में, मुझे लगता है वो बहुत ही बेस्ट डील है यहाँ पे। तो अगर आपको ख़रीदना है बोल्ट ऑडियो कर्व, बोल्ट ऑडियो प्रो बेस कर्व का यहाँ पे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे जरूर जरूर जाकर आप खरीद लेना अमेजोन से यहाँ पे। बाकी यही है इस वीडियो में, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बन रहे टेक एंड टू चैनल के साथ, बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।